अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 10 पोइट ऑफ द ईस्ट, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड कर दिया था, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 79 पे। आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ रीड करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल जो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए, आपने बहुत सारी जो है बच्चों के लिए अच्छी अच्छी नज़में लिखी थी जो आज भी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इब्तदाई तालीम आपने अपने शहर सियालकोट में हासिल की और उनके वालिद के दोस्त शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन ने जो है वो आपको ग्रेजुएशन तक जो है वो एज ए ट्यूटर जो है वो आपको पढ़ाया था। इन 1895 में इकबाल वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर टू स्टडी फॉर बीए एंड एमए। 1895 में इकबाल गए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीए और एमए की तालीम हासिल करने के लिए। ही वॉज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। एंड वॉन अ गोल्ड मेडल, और आपने जीता सोने का तमगा। फॉर बींग द ओनली कैंडिडेट टू पास द फाइनल कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन, वो वाहिद स्टूडेंट थे कि जिन्होंने फाइनल कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन, उस ज़माने में एक मुकाबले का इम्तहान लिया जाता था, वो वाहिद कैंडिडेट थे जिन्होंने उसको पास किया। मीनवाइल, इसी दौरान ही कंटिन्यू राइटिंग पोइट्री, वो मुस्तकिल जो है वो शायरी लिखते रहे। एंड हैड बिकम अ वेल नोन पोइट, और एक अच्छे जाने पहचाने शायर बन गए। सून, जल्द ही, आफ्टर पासिंग द एमए पास करने के बाद, एमए एग्जामिनेशन, एमए का एग्ज़ाम पास करने के बाद, ही वर्क एट ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, उन्होंने काम किया ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। एंड अ फ्यू ईयर्स लेटर, उसके कुछ अरसे बाद वाज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर ऑफ फ़िलासफ़ी, वो फ़िलासफ़ी के फ़लसफ़े के लेक्चरर उस्ताद मुकर्रर हुए इन द गवर्नमेंट कॉलेज में। वेयर ही वर्क, जहाँ आपने काम किया, विद ग्रेट सक्सेस, बहुत कामयाबी के साथ। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो गए इंग्लैंड में इन 1905 में टू स्टडी फ़िलासफ़ी एंड लॉ, फ़िलासफ़ी और लॉ पढ़ने के लिए। एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही आल्सो एक्वायर्ड अ PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, जर्मनी। इसके अलावा आपने जर्मनी की यूनिवर्सिटी म्यूनिख से PhD की डिग्री हासिल की। वाइल स्टडिंग इन यूरोप, यूरोप में पढ़ने के दौरान इकबाल मेट विद अदर ग्रेट स्कॉलर्स, इकबाल मिले और दूसरे स्कॉलर्स से, हु इन्फ्लुएंस, जिन्होंने जो आप पर असरअंदाज हुए, हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्गली, जिन्होंने आपके अंदर तसव्वुफ़ को जो है वो मजबूती के साथ डेवलप किया आपके अंदर, ठीक है, या आपके अंदर रूहानी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया उनसे मिलने की वजह से, ठीक है। क्या हुआ कि इकबाल ने 1895 के अंदर जब इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चले गए, जहाँ से आपने बीए और एमए की तालीम हासिल करी, उसके बाद जहाँ वो एक अच्छे जो है वो स्टूडेंट थे और आपने गोल्ड मेडल भी जो है वो पास किया, वाहिद कैंडिडेट थे जिनको गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद आपने एमए कंप्लीट करने के बाद आपने कुछ अरसे ओरिएंटल कॉलेज में जो काम किया, उसके बाद जो है वो आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फ़िलासफ़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। फिर इसके बाद आपने सोचा कि बाहर जो है मज़ीद स्टडी के लिए जाया जाए, तो आप 1905 में इंग्लैंड चले गए और वहाँ आपने फ़िलासफ़ी और लॉ की तालीम जो है वो हासिल की। अच्छा, इसके बाद आप जर्मनी गए। जर्मनी में जाने के बाद आपने वहाँ की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। जब आप जर्मनी गए तो वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिले, जाए जैसे म्यूसोलिनी था, इसके अलावा जो है वो आप दांते से मिले, उसकी डिवाइन कॉमेडी आपकी एक बहुत मशहूर बुक है जिसमें जो है बहुत सारी रूहानियत के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और उनसे मिलने के अंदर आपके अंदर एक रूहानियत जो है वो पैदा हुई आपके अंदर, और दूसरी सलाहियतें जो है वो उभरी, और इन लोगों के फ़लसफ़े ने जो है वो आपके ऊपर भी असर किया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, यहाँ तक आपने रीड करना है, ओके।